नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विरोधाभास अलंकार। अलंकारों की कड़ी में हम पहले सारे शब्द अलंकार कर चुके हैं, अनुप्रास, लेश, यमक आदि, और उपमा और उपपद, उत्प्रेक्षा ये भी कर चुके हैं, अतिशयोक्ति भी कर चुके हैं। आज करेंगे विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास होता क्या है? देखिए, पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा विरोध जोड़ आभास, यानी जहां विरोध का आभास होता हो। इसका मतलब क्या हुआ कि विरोध होता नहीं है, विरोध का हमें आभास होता है कि इसमें विरोध है। देखिए कैसे, इसकी परिभाषा देख लीजिए, छोटी सी परिभाषा एक लाइन की लिखी है मैंने। जहां विरोध ने होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमें विरोधाभास है? क्योंकि जब हम इसका सही अर्थ ले लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ, विरोधाभास होंगे। सही अर्थ लेते ही वो विरोध दूर हो जाएगा। पहले हमें लगेगा कि ये विरोध है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठंडी चीज गर्म कैसे हो सकती है। जैसे ये मैं एक फिल्मी उदाहरण देता हूं, मैं जैसे ठंडी ठंडी पवन चले, तन मन को कुछ जलाए, कुछ ऐसी है। तो जो ठंडी ठंडी चीज है, ठंडी ठंडी हवा है, वो शरीर को कैसे जलाएगी? फागुनी पाठक का गाना है, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा। तो ठंडी ठंडी चीज, ठंडी ठंडी हवा है, वो शरीर को कैसे जलाएगी? ठंडी ठंडी हवा है वो तो शरीर को सुहावनी लगेगी ना। लेकिन यहाँ क्या, वो विरोध का आभास हुआ। लेकिन फिर हमें पता चलता है अर्थ दूर, जब विरोध कब दूर हो जाता है, जब हमें पता चलता है ये विरह की अग्नि की बात है, विरह की अग्नि की बात है, जुदाई की बात है, तब ये ठंडी ठंडी पवन की बुरी लग रही है, ठीक है ना, तब वो दूर हो जाता है। चलिए हम देखते हैं अर्थ अर्थ करने के बाद कैसे दूर होता है। देखिए पहले पहला उदाहरण लेते हैं, तंत्री नाद कवितरस, तंत्री नाद कवितरस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। बिहारी जी का प्रसिद्ध दोहा है कि तंत्री नाद यानी अनेक प्रकार के वाद्य होते हैं, जैसे वो कवितरस एक छंद है, कवि 16-15 मात्राएं का जो भूषण का प्रिय छंद है, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी। तो तंत्री नाद कविता का रस, सरस राग और अति का रंग, ये चीजें कोई अपनाता है तो इसमें जो डूब गया, अनबूढ़े जो नहीं डूबा वो डूब गया, और जो कौन तरे जे बूढ़े, और जो डूब गया वो तर गया, जे बूढ़े सब अंग, जिसके सब अंग इसमें नहीं डूबे वो डूब गया, जो तिर गया तरा कौन, जो डूब गया वो तिर गया। विरोधाभास है भाई, जो बाहर बैठा वो कैसे डूब गया, और जो डूब गया वो कैसे तैर गया। अब इसका हम अर्थ लेंगे तो पता चलेगा हमें कि ये विरोधाभास क्यों है। बिहारी जी कहते हैं कि तंत्री नाद कवित्त का रस और सरस राग रति का रंग है, इसमें जो डूब गया, जिस जो इसमें नहीं डूबा, अनबूढ़े। देखिए ब्रज भाषा में बूढ़ना का मतलब डूबना होता है, वहां कई बार बै को आगे पीछे करते, जैसे बंदूक को दम्बूक करते, सिपहिया तेरी दम्बूक को डर लागे, ऐसे यहां अनबूढ़े का अर्थ है अनडूबे, बूढ़े का अर्थ डूबे। तो यहां जो नहीं डूबे ये अर्थ है, नहीं डूबे वो डूब गए, ठीक है, और तरे जे बूढ़े, और जो डूबे वो तर गए। तो कभी जो बिहारी जी कहना क्या चाह रहे हैं कि इन चीजों में, तंत्री नाद कविता के रस और सरस प्रेम के रस में रंग में जो डूब गए हैं ना, वो तर गए हैं, यानी वो इतने सरस हैं ये रंग कि जो इनमें डूब गए वो तर गए, अर्थात उनका उद्धार हो गया, और जो नहीं डूबे वो सचमुच में डूब गए, अर्थात उनका उद्धार नहीं हुआ, यानी अपने अंगों को यानी पूरी तरह से लीन हो गए इन रंगों में, सब अंग यानी इन रंगों में ऊपर वाली इन सब चीजों में वो तल्लीन हो गए, लीन हो गए, वो तो इनमें डूब गए वो तर गए, और जो नहीं डूबे वो तो डूब गए, और जो डूब गए वो तर गए। समझ गया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा उदाहरण है, या इससे आप पूरी तरह समझ जाएंगे। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहां बूढ़े की जगह डूबे, ये सीधा सीधा ये प्रेमी मन है, अर्थ बताता हूं इसे समझेंगे आप। यह प्रेमी मन है, इसकी गति को कोई नहीं समझ पाता है, ये जो जो श्याम रंग में डूबता है त्यों त्यों ये उज्ज्वल हो जाता है, विरोध का आभास होता है। जो काले रंग में डूबेगा, श्याम मानी होता है काला, और ये हो जाएगा उज्ज्वल, यहां देखेंगे तो इसका श्वेत या सफेद रंग ले लेंगे, तो जो काले रंग में डूबेगा वो सफेद कैसे हो जाएगा भाई? विरोध है या विरोध लगता है, आभास है कि जो जो डूबे श्याम रंग, जो जो वो काले रंग में डूबेगा
क्यों क्यों वह सफेद हो जाएगा, विरोध लगता है, लेकिन देखिए अर्थ आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि यह विरोध नहीं है। कैसे कि इस प्रेमी मन की गति को कोई नहीं समझ पाता है, क्योंकि जो जो ये श्री कृष्ण के रंग में डूबता है त्यों त्यों यहां उज्जवल कर पवित्र लेंगे, ये मन जो जो श्री कृष्ण के रंग में, यहां श्री कृष्ण अर्थ लेंगे श्री कृष्ण, जो जो ये श्री कृष्ण के श्याम का है, श्री कृष्ण के रंग में डूबता है त्यों त्यों ये पवित्र होता जाता है। तो आपका विरोध खत्म हो गया, जो ही आपको इसका सही अर्थ पता लगेगा विरोध खत्म हो जाएगा। एक और उदाहरण है, फिल्म का ही उदाहरण है, बहुत सारी चीजें हैं, यारा सीली सीली विरहा की आग का जलना, लेकिन फिल्म का है यारा सीली सीली विरहा की आग का जलना। अब सीली सीली, राजस्थान में सीली का मतलब होता शीतल, शीतल शीतल आग, आग कब से शीतल होने लगी भाई, आग कब से शीतल होने लगी, ये भी विरह की आग है, जुदाई की आग है, इसको सीली सीली, यहां विरोध लगता है कि शीतल भी कोई आग होती है। अब ऐसे है, पानी का गुण धर्म है आग को बुझाना, चाहे ठंडा हो या गर्म हो पानी आग को बुझाएगा, लेकिन कई करेंगे पानी में आग लगाए, पानी में आग कैसे भाई, कोई उधर फिल्मों के कई गाने हैं पानी में आग लगाए, ऐसी ऐसी बात करते हैं, तो पानी में आग लगाने का मतलब वहां दूसरी बात है, वहां विरोध का आभास होता है, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। मैं फिल्मी गानों का भी मैंने ऐसे उदाहरण दिया, लेकिन ये साहित्यिक उदाहरण है, ये आप इनको नोट कर लीजिए और ये देखेंगे तो आप और उदाहरण भी ले सकते हैं, एक और उदाहरण भी ले सकते हैं आप। तो मित्रों इस तरह जो मैंने उदाहरण दिए हैं, इसमें जो फिल्मी उदाहरण दिए हैं तो मैंने आपको समझाने के लिए दिए, ये जो मेरे लिए मर्यादा के प्रतिकूल है कि आपको हिंदी पढ़ाते हुए ऐसे उदाहरण दूं, लेकिन बच्चे हैं, दसवीं में अलंकार है, नौवीं में अलंकार है, तो आपको समझाने के लिए मैंने उदाहरण दिए कि बच्चे जल्दी पकड़ लेते हैं फिल्मी उदाहरण होते हैं, और फिल्मी उदाहरण पकड़ के फिर इस तरफ चलेंगे, सरल से कठिन की ओर जाएंगे तो बच्चे जल्दी से सीखते हैं, सरल से कठिन की ओर जाएंगे तो वो जल्दी सीखते हैं, सरल से कठिन, तो इसीलिए मैंने फिल्मी उदाहरण भी दिए। तो आप बस एक बात मान के चलो कि विरोधाभास अलंकार कहां होता है, पहले विरोध लगेगा कि यहां विरोध है, है? और फिर जब हम उसका अर्थ करेंगे तो विरोध का आभास तो होगा, लेकिन अर्थ करते ही, उसका अर्थ ग्रहण होते ही वो विरोध दूर हो जाएगा और हमें स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कोई विरोध नहीं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अगली बार फिर मिलते हैं नए अलंकार के साथ, तब तक हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।